जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले प्रॉमिस किया था कि लीगल अवेयरनेस जो सीयूएट पीजी में आने वाला है उसके लिए आई एम गोइंग टू कम आउट विद सर्टेन वीडियोस जहां पे आपकी हेल्प हो सके कि लीगल अवेयरनेस की तैयारी आपको कैसे करनी है। टुडे आई एम हियर टू हेल्प यू विद दिस। हाई गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो लीगल अवेयरनेस में अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स उठा के उनके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। हम ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ प्लीज नोट, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैटर्न में और भी लॉ सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट टॉट, आईपीसी, आईपीआर लॉ, ये सब आते थे। वो इसका पार्ट नहीं है बिकॉज वो लीगल एप्टीट्यूड में माने जाएंगे, दैट्स नॉट लीगल अवेयरनेस। दोज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ एंड उनकी स्टडी को हम लीगल अवेयरनेस में काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि जनरल पेपर है एंड इट इज मेंट फॉर एवरीवन। तो उन लोगों से वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करी जाएगी। सो आई वुड से कि जस्ट रिलाई ऑन द क्वेश्चंस हियर। अगर आप पेपर उठाते भी हो पुराने तो ऐसा मत करना कि आप वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने बैठ जाओ, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। Who amongst the following was not a Chief Justice of India? ये first question है। अब यहाँ पर options में अगर आप देखोगे, Justice PN भगवती, जिनको PIL के लिए बहुत नाम माना जाता है इनका, तो ये रह चुके हैं Chief Justice of India। Justice RM Lodha has also been a Chief Justice of India। Justice JS Verma, जिनके नाम पे committee भी बनी थी फॉर क्रिमिनल अमेंडमेंट, ये भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस कृष्ण अय्यर वॉज नॉट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विच इज द करेक्ट आंसर। अब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड, ये है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन इनसे पहले 49th थे जस्टिस यूयू ललित। तो एक ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए। देन Who was the first leader of opposition in Lok Sabha? अब यहां पर अगर आप देखोगे ये तीन options में से आप तुमने अगर पढ़ा होगा ढंग से तो आप confused हो सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही leader of opposition रह चुके हैं। However, Ram Suhag Singh was the first leader of opposition। और आपको present time में भी पता होना चाहिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, current affairs कर रहे हो cover, मुझे comment box में बताओ कि who is presently the leader of opposition in Lok Sabha, ये आपको पता होना चाहिए। Then next, POXO Act. अब ये क्वेश्चन जो है ये 2012 में नहीं पूछा गया है, ये रिसेंट ईयर्स में 16 में या 19 में पूछा गया है और चाइल्ड की डेफिनेशन पूछी गई। ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे अमेंडमेंट होते जाते हैं तो चाहे लॉ कितना भी पुराना हो उसके रिस्पेक्ट में रिसेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे प्रेजेंटली अगर आप 23 में देखोगे तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने रेकमेंड किया है कि एज जो कंसेंट की है फॉर अडोलेसेंट्स उसको रिड्यूस करके 16 कर देना चाहिए एंड उसके लिए इन अडोलेसेंट्स को नहीं पनिश करना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है, ये आपको प्रेजेंट में पता होनी चाहिए कि किस लॉ के रिलेशन में प्रेजेंट में अमेंडमेंट चल रही है, दैट इज लीगल अवेयरनेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ चाइल्ड हु हैड नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। देन नेक्स्ट देखते हैं, यूएस में रेजिड्यूरी पावर किसके पास है। तो आपको और ज्यूरिस्डिक्शंस का भी थोड़े थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे सो यू विल सी कि हमने क्या चीज कहाँ से बोरो करी। आई वुड से यूएस और यूके का थोड़ा बेसिक आप स्ट्रक्चर भी पढ़ के रखो कि उनकी जो कंट्री है उसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री, प्रेजिडेंशियल, जैसे यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी बातें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज स्टेट्स। इंडिया की अगर बात करें तो रेजिड्यूरी पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। देन मूविंग फॉरवर्ड, हु अमंग्स द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट में हम 22nd लॉ कमीशन पे हैं, ठीक है। प्रेजेंट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे। देन Who of the following did not serve? अब ये जो options हैं इसमें से हमें बताना है what is the correct answer? Here the correct answer is Justice B.R. Krishna Iyer. M.C. Sitalwad was the first chairman of Law Commission of India. So इस टाइप से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, लॉ कमीशन रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने जो लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है वहां पर कुछ PDFs ऐड कर दिए हैं,
कुछ पीडीएफ्स और भी ऐड होंगे, जैसे लॉ कमीशन के रिस्पेक्ट में आई एम सेइंग कि एक कमीशन्स का पीडीएफ ऐड कर दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट कमीशन्स रहे हैं आज तक के इंडिपेंडेंट इंडिया को लेके, वो यहाँ पर एडेड है। 2007 से पहले के जो कमीशन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। देन इन विच लैंडमार्क जजमेंट डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी? सो दिस बेसिकली मेंट कि 377 आर्टिकल जो अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए है, वो उसमें कॉन्सेंशुअल इंटरकोर्स वॉज रिमूव विच अमाउंट्स टू होमोसेक्सुअलिटी। तो ये हुआ इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट में हमें क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट देखने को मिला है। प्रेजेंट में अगर हम बात करें सिचुएशन की, तो 377 एग्जिस्ट ही नहीं करता है भारतीय न्याय संहिता में, जो रिप्लेस करता है आईपीसी को। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स मैं ऑलरेडी कवर करती हूँ ऑन इन यूट्यूब शॉर्ट्स, कम्युनिटी पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें भी फॉलो कर रहे हो, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू इन स्टेइंग अवेयर एंड अपडेटेड एज टू वॉट इज हैपनिंग। तो मैंने इस पर रील भी बनाई थी जहाँ पर मैंने बात करी है कि 377 प्रेजेंट में BNS में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बेस्टियलिटी ये सब अब पनिशेबल नहीं है? तो इसके बारे में जरूर अवेयर रहें। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, आई वुड नॉट से सारे कोर्ट्स की कि आप दिल्ली हाई कोर्ट और ये सब भी पढ़ने बैठ जाओ, वो जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए है, LLM एस्पिरेंट्स के लिए है। आप सुप्रीम कोर्ट के मेन जजमेंट्स पे फोकस करो। देन ये जजमेंट आया, जलीकट्टू वर्डिक का टाइटल पूछा गया बिकॉज इट वॉज अ लॉट इन द न्यूज। जजमेंट इसमें रिजर्व करी गई, जिस ईयर में ये पूछा गया उसके हिसाब से उस ईयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज। अब आपको प्रेजेंट टाइम्स की जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रही हैं वो पता होनी चाहिए, मैं कवर भी करती रहती हूँ। हाउएवर इंपॉर्टेंट बिल्स, जजमेंट्स, ये आपको ध्यान में रखनी है। एंड जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज वाली जजमेंट आई थी वो मैंने कवर की है, उसका कॉज टाइटल क्या है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे अगेन कि आप ठीक से पढ़ रहे हो। ये चीजें पढ़ लोगे तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप लीगल अवेयरनेस को अच्छे से कर लोगे। देन हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यहाँ पर दी आंसर इज ऑब्वियसली डॉक्टर BR अम्बेडकर, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट लॉयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वॉज मेड द लॉ मिनिस्टर। देन नेक्स्ट इज 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया। अच्छा, लॉ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में भी आपको प्रेजेंट में पता होना चाहिए दैट हु इज द लॉ मिनिस्टर। हम इतनी ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स, अगर हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं उनको पूरे टाइम हम देखते रहते हैं, न्यूज़ में काफ़ी बार आते हैं। अगेन कॉमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर। देन इन ईयर 2002 द कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज इनैक्टेड। ये एक्ट किसको रिप्लेस करता है? ये एक्ट रिप्लेस करता है MRTP एक्ट को, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एंड कॉम्पिटिशन एक्ट ने इसको टेक ओवर किया। अब आप और भी जो एक्ट्स देखोगे ये बहुत बेसिक एक्ट्स हैं, आप इसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि ये तो ऑब्वियसली करप्शन से डील करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डील्स विद कंज्यूमर, सो कॉम्पिटिशन से कंसर्न नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स इज ऑल्सो रिमोटली रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन। मेन आपका जो यहाँ पर दिख रहा है ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक, जो जहाँ पे हम कॉम्पिटिशन लॉ की बात करते हैं, तो ये आंसर है यहाँ पर। तो ऐसे एक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए क्या रिपील हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंट में एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट आया जहाँ पे जो टाउट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में उस चीज को इलीगल बना दिया गया है और बाकी सारे प्रोविजंस हटा दिए गए हैं कि ये पुराना हो चुका है, नया एडवोकेट्स एक्ट सभी चीजें कवर करता है। तो ऐसी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए बिल्स को लेके, एक्ट्स को लेके, पुराने जो लॉज हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काफी अमेंडमेंट 2019 में भी हुआ, 86 को चेंज करके 2019 हो गया, सब अपडेट्स हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट बेसिक लॉज हैं ये आपको पता होना चाहिए। RTI के बारे में पता होना चाहिए। फ्री मटेरियल कोर्स में मेरा एक PDF अवेलेबल है जहाँ पे ये सारे जो मेजर एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक वहाँ पर हमने दिया हुआ है। देन द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट इज दिस वन। 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है जहाँ पे बोला गया है पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल को अलाउ किया गया, दैट अ पर्सन
हु इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट, हम वहाँ पर ट्रीटमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको हम पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। ये केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ये बाकी केसेस जो हैं, के एस पुट्टास्वामी जैसे रिसेंट केस है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड केस है। सो दीज अगेन आई वुड से कि जजमेंट जो इंपॉर्टेंट चल रही हैं, जो डिस्कशंस चल रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे जोसेफिन शाइन का जजमेंट है, जहाँ पे अडल्ट्री हटा दिया गया। इस ईयर भी अडल्ट्री के बारे में काफ़ी डिबेट हो रही थी कि बीएनएस में अडल्ट्री रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब डिस्कशंस हो रहे थे। तो जो डिस्कशन आप देखते हो न्यूज़पेपर में, लॉ रिलेटेड डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके बारे में आपको अपडेटेड रहना है। आई विल कम आउट विद मोर वीडियोज, वी विल अंडरस्टैंड मोर कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रेजेंट टाइम्स में हम किन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दोज क्वेश्चन। इतने अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, कोई डाउट क्वेरी है उसको कॉमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल गेट बैक टू यू। ऑल्सो आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। एंड टू स्टे अपडेटेड, टू स्टे अवेयर फॉर वीडियोज लाइक दिस, टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि आप हमें फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर लीगल अपडेट।